माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, जो एकदम अभी रिसेंटली तुरंत ये न्यूज़ हमें मिला है। आपको मैं यही न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत रिसेंट न्यूज़। अभी एक NTA ने आपको एक और मौका दिया है एप्लीकेशन में सुधार करने के लिए। मतलब अगर आप एप्लीकेशन जब आप भर रहे थे उसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक हुआ है तो उसको सुधार करने के लिए 30 तारीख का मौका दिया हुआ है। और बेटे, आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का विश्वास मेरे ऊपर बढ़ गया होगा। अगर 30 तारीख सुधार का मौका, निश्चित तौर पर रिजल्ट काफ़ी लेट जाने वाला है, इसीलिए मैंने बोला था 10 से 12 तारीख का डेट आपका रिजल्ट का आएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो आप लोग को अब विश्वास हो गया होगा कि सर जो अपडेट कर रहे हैं, एक लेटेस्ट अपडेट कर रहे हैं, सब जानकारी रखते हुए अपडेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, जो 13 सितंबर को अभी एग्जाम हुआ आप लोगों ने जो दिया, उसमें COVID-19 के कारण जो है ऑनलाइन जो आप लोग फॉर्म भरे उसमें काफ़ी सारी परेशानी रही, इसलिए NTA ने आपको एक बार उसमें सुधार करने का मौका दिया है। अब आपको ये सुधार करने का मौका कल से लेकर 30 सितंबर तक जो है वो रहेगा। ध्यान रखिएगा, कल से लेकर 30 सितंबर तक आपको ये सुधार करने का टाइम मिला हुआ है। अब उसमें भी आपको क्या करना है, आपका जो सुधार करने का जो आपके पास, बता दूं कंडीशन कि आपको NTA का जो आधिकारिक वेबसाइट है NTANEET.NIC.IN पे जाना है और वहाँ पे जो भी आपने गलती किया होगा उसमें आपको सुधार करना है। गलती का मतलब, जैसे आपने माता का नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, पिता के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, या मेल फीमेल में लिखने में अगर आपने गलती किया, या कैटेगरी लिखने में, जैसे कुछ लोगों ने OBC कैटेगरी लिख दिया, कुछ SC ST कैटेगरी वाइज अगर किसी तरह की दिक्कत है, अगर आपने PH है और आप PH नहीं भरे हैं, तो इस तरह का जो भी मिस्टेक आपसे हुआ होगा, या नेशनल वाला कोड जो होता है, आपको भी पता है वो राष्ट्रीयता का राज्य कोड लिखा होता है, तो इसमें से अगर किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हुआ है तो आप उसको सुधार कर सकते हो। आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मैंने फॉर्म भरने में ये मिस्टेक किया है। मैंने इसलिए बोला था दोस्त कि 28 तारीख तक आपको जो है वो इसका रिजल्ट सीट जारी होगा, जिसके अंदर NTA अपना जो है वो क्वेश्चन पेपर का आंसर की जारी करेगी और रिजल्ट जाके फाइनल आपका जो है वो 10 से 12 अक्टूबर तक जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो आप अपना करेक्शन करेंगे, जो भी अपने आवेदन फॉर्म में अपना करेक्शन करेंगे, वो ऐसा नहीं कि रात में 10 बजे बैठ गए लैपटॉप लेकर अपना सुधार कर रहे हैं, ऐसा अगर करेंगे तो बिल्कुल ये मान्य नहीं होगा। आपको ऑफिशियल टाइम दिया गया बेटा, ध्यान रखिएगा, आप ऑफिशियल टाइम में लिखा हुआ है कंडीशन, ठीक है ना, कि 5 बजे, शाम 5 बजे तक, 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही आपको देना है, अदरवाइज नहीं देना है, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एकदम क्लियर लिखा हुआ बेटा इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा टाइम 11:30 बजे से 5 बजे तक। एक चीज़ और बता रहा हूँ, एग्जाम देने के बाद अगर आप अभी के डेट से पहले भी, कुछ लोगों ने मेल वगैरह किया हुआ है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें गलती हुई है मुझसे, मेरे से ये सुधार करना है, तो वो चीज़ें मान्य नहीं होंगी, इसलिए आप लोग दोबारा इस डेट के बीच में और इस टाइम के बीच में जो है वो अपनी गलती को सुधार लेना बेटा। और किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ होगा अगर फॉर्म भरने में, तो उस करेक्शन को करेक्ट करके अपने रिजल्ट की ओर अग्रसर होना, ये बेस्ट ऑप्शन मिला है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग को दिया गया है NTA की तरफ से, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है ना। अब आपको बता दूं कि मैं आपको बता दिया था कि पहला सप्ताह से लेकर दूसरा, मतलब 10 तारीख के अंदर आपका रिजल्ट आने का अच्छा खासा संभावना रहेगा, तो आप लोग भी मेंटली उसी हिसाब से तैयार रहिएगा। आपको क्या करना है ये आपको मैं बता देता हूँ, क्या स्टेप्स होगा इसके लिए ये आपको समझा देता हूँ बेटा। सबसे पहले आपको NTA के साइट पर जाना है, NTANEET.NIC.IN पे जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, होम पेज पे जो नीट का लिंक दिख रहा होगा उसको क्लिक करना है, और उसके बाद आपके पास एक नई विंडो खुलेगी और फिर उसमें जरूरी जो भी जानकारी आपको है वो सारी चीज़ें भरनी है आपको, ठीक है। नई विंडो पर दी गई लॉगिन लिंक में जाकर आपको आवेदन में क्लिक करना है और फिर लास्ट में जाके पासवर्ड का उपयोग करके, जो भी आपको ID पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड का उपयोग करके जो भी जरूरी चेंजेज करना चाहते हैं वो वहाँ पर जरूरी चेंजेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास एक आवेदन पत्र में सुधार करने का एक बहुत खूबसूरत मौका दिया गया है NTA की तरफ से, जो बच्चों ने किसी तरह का कोई गलती किया हो उसको ठीक कर लें। ध्यान रखिएगा कि अगर 30 तारीख के डेट के बाद अगर आप किसी तरह का कोई फैक्स करेंगे या कोई भी ईमेल करेंगे या किसी लेटर के माध्यम से आप इन चीज़ों को भेजेंगे अगर NTA को, तो ये चीज़ें मान्य नहीं होंगी, इसको स्वीकार NTA नहीं करेगा। इसलिए अपने डेट पे और उसी टाइम के बीच में अपने जो भी करेक्शन है उसको आप ठीक करें और ठीक करके अपना रिजल्ट को जो है वो आगे बढ़ाएं ताकि आप बेहतर कर सको बेटा। मेरे पास एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया था, मेरा फर्ज था कि आपको अपडेट करूं और आपको बता रखा हूं, मेरे चैनल से एकदम बने रहिएगा, आपको हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।